प्रधानमंत्री मोदी ने रेल हादसे पर ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से दुखी हूं। दुख के इस क्षण में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री से बात की है और उन्हें स्थिति को संभालने के लिए कहा है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सभी प्रभावितों की मदद की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम दोनों जो हैं उन्होंने भी रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया। शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ने ट्वीट किया और इस हृदय विदारक घटना पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोट वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। दुष्मंत बेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ताजा जानकारी उनसे लेते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में और क्या अभी डेथ टोल का या जो हताहत हैं उनका कोई नया आंकड़ा जारी हुआ है? रेलवे की तरफ से कुछ जानकारी आई है क्या निकलकर? दुष्मंत देखिए, अभी एयरफोर्स की टीम पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगा अभी सोच रहे हैं। और क्योंकि जो पूरा टीम था, रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा टीम जो बहाना गया जहां पर ये स्पोर्ट हुआ है, ये दुर्घटना हुई है, वहां पर पूरा टीम जो मेन टीम पहुंच नहीं था अभी पहुंच गई है। ये सबसे बड़ी सुखद खबर है। और इसके बाद जो बड़ी खबर है, एयरफोर्स अभी पहुंच चुका है, अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी होगा। और एक अभी तक जो इक्विपमेंट था ओडिशा फायर ब्रिगेड का हो, जहां पर कटरिंग वगैरह होगा, क्रेन वगैरह होगा, वो पहुंचा नहीं अभी तक। ये सबसे बड़ी बात है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तेजी होगा और जो जानकारी चाहते थे, जैसे कि हम लोग देना चाहेंगे कि अभी जो डेथ का रेशियो है अभी वो बढ़ रहा है। जो सूचना है ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन 100 से भी ज्यादा हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन रात जैसे बढ़ रही है, रात जैसे आगे बढ़ रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सी चैलेंज आ रहा है, क्योंकि जहां पर वो ये दुर्घटना घटी है वहां पर रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। रोड कम्युनिकेशन जो होता है वहां पर रेस्क्यू टीम को, जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनको अच्छी तरह से मेडिकल पहुंचा नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत नैरो रोड है। और हम जितने भी धन्यवाद दें, जो लोकल लोग हैं उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि वो लोग जैसे कि रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले वो जितना काम कर रहे हैं उनको सबसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अपने आप में वो मिसाल पेश कर रहे हैं, वो खुद वहां पर पहुंचकर लोगों को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बहुत सी लोग ट्रेन के नीचे दबे हुए हैं, उनको कैसे बाहर किया जाएगा। और ये जो डेथ है, जो डेथ की जो फिगर आ रहा है, ये बढ़ सकता है अभी जो सूचना आ रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ का सीएम जैसे कि टीम वहां पर भेजे हैं, यहाँ का एक फॉर्मर जो मिनिस्टर है प्रमिला मलिक वहां पर जांच पहुंच चुके हैं, यहाँ के 3 आईएएस अफसर पहुंच चुके हैं, और खुद पीएम बातचीत कर रहे हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ, और पूरी तरह से कैसे भी करके जितने जल्द से जल्द लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल किया जाए और ये रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट किया जाए, ये लोगों में एक दुआ मांग रहे हैं कि सब सही सलामत हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है कि ये जो डेथ रेशियो है अभी बढ़ रहा है। डेथ रेशियो जो है आप बता रहे हैं कि ये 100 तक आप कह रहे हैं कि पहुंच सकता है, हालांकि कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना जो घटनास्थल है और ज़िला मुख्यालय से कितनी दूरी है क्रेन पहुँचना? देखिए, आप ही ने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीचे लोग दबे होने की खबरें भी मिल रही हैं। जाहिर सी बात है कि चीख पुकार मची होगी और सबसे ज़रूरी है कि डब्बों को वहाँ से हटाया जाए।
हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा फायर के जो मेन टीम है वो रवाना हो चुकी है और भुवनेश्वर से वो टीम रवाना हो चुकी है और जो क्रेन वगैरह है बालेश्वर से रवाना हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है जहां पर दुर्घटना घटी है, बहुत इंटीरियर प्लेस है और वहां का रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसी वजह से वहां पर प्रॉपर बहुत देर हो गया एम्बुलेंस पहुंचने में, बहुत देर हो गया। यहाँ का लोकल एम्बुलेंस है 108, वो पहुंच नहीं पा रहा है और यही दिक्कत है। नहीं तो वहाँ का लोग जो लोकल लोग हैं जैसे एक्टिव है वहाँ के लोग, उनको मैं बार बार कहता हूँ कि उनको सैल्यूट है इस जैसे कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में जिस तरह से वहाँ का स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, ये एक मिसाल पेश कर रहे हैं। और इसी टाइम में हम लोग सब एक होकर ये लड़ाई में हमको साथ देना चाहिए, फायर का, एनडीआरएफ का, ओड्राफ का, ओडिशा गवर्नमेंट का। अब जैसे आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके हैं जो भी हेल्प चाहिए हम देंगे, सीएम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं, पीएम और अमित शाह, रेलवे मिनिस्टर सब, राष्ट्रपति सब बोल रहे हैं। अभी दुआ मांगिए कि डेथ रेशियो जो है, फिगर है, वो कम हो और लोग मेडिकल जख्मी हैं, जो हताहत हैं, उनको जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके, उनको स्वास्थ्य लाभ हो सके। वाकई में पूरा देश यही दुआ कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखें। और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 30 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। बहुत दुखद खबर, बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा ये पेश आया। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। इसमें 2 यात्री ट्रेनें और 1 मालगाड़ी थी। और अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें स्थानीय लोग बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, जबकि अभी और टीमों के पहुँचने का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर, इन्फ्रिंज कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर, तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही महंगे टोल टैक्स से जल्दी ही राहत की बात कही। नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। अभी हमारे साथ हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपका स्वागत है। सर, एक सवाल है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए आपने बताया कि वेटिंग लिस्ट तो है, लेकिन जिस तरह से वो महंगी है, एक आम लोगों के लिए लगता है कि वो खरीदना अफोर्डेबल नहीं।